सिंपल लैंग्वेज में ये बोलना चाहूँगा, जो मेरा कटा है वो मेरे भाई और बहनों का ना कटे, तो मेक श्योर कि आप ये गलती ना करें जो मैंने की है, ठीक है? और भी बेटर ऑप्शन है। व्हाट इज अप यूट्यूब एंड रॉनी की दिस टाइम। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छा कर रहे होंगे। काफ़ी टाइम के बाद वीडियो आ रही है एंड एक कोई अपडेट देनी थी। लाइक मैं भी देहरादून में हूँ, ग्रेटर नोएडा में नहीं, एंड मुझे ओवर मंथ हो चुका है, आज अप्रॉक्स 30 डेज हो चुके हैं। एंड रीज़न मैं यहाँ हूँ क्योंकि मेरा कॉलेज है यहाँ पे। आज है 19 अक्टूबर ट्यूसडे, सो और आज ईद की छुट्टी भी है। सुबह 8:30 बज रहे हैं, सो हमने सोचा एक वर्कआउट करते हैं और लेट उठे हैं तो प्रोबेबली फास्टर वर्कआउट करेंगे। कल रात को एक्चुअली हम लेट सोए और आज हमें दो वर्कआउट करने हैं। यूजुअली हम इवनिंग में ट्रेन करते हैं, बट पिछले 2-3 दिन से शेड्यूल थोड़ा बिगड़ गया तो हम वर्कआउट ढंग से नहीं कर पाए। सो आज हम कवर अप करेंगे, सुबह हम बैक वर्कआउट लगाएंगे एंड शाम को अपना नॉर्मल यूजुअल ट्रेनिंग चेस्ट के साथ लगाएंगे। सो यार अभी तक का तो यही प्लान है। अभी आपको एक बार मैं रूम दिखा देता हूँ अपना। यहाँ पे हम 4 बंदे रहते हैं एक साथ, होमीज। लेट्स सी। सो ऐसा कुछ हमारा मेन एंट्रेंस है यहाँ से, और यहाँ पे हमारे जो लैंड लॉर्ड है उन्होंने कुछ केज बना रखा है, चिड़िया ऐसा बहुत सारी। आई होप यू कैन सी क्लियर इट प्रॉपरली, ऐसा कुछ। एंड यह हमारी एंट्रेंस हमारे रूम की। सो ऐसा ही कुछ एक हॉल है लाइक दिस, 3 बेड इधर एंड 1 बेड इधर। इग्नोर दिस बाइक एंड ये किचन। किचन में हमारे पास स्टोव नहीं है, सो वी आर यूजिंग दिस इंडक्शन एंड वन दिस कैटल और थोड़े बहुत बर्तन एंड बाकी तो आप मैं इग्नोर ही करो। और हाँ, एक स्टोर रूम भी है वहाँ पे, स्टोर रूम टाइप इधर, वन वॉशरूम है इधर एंड दिस स्मॉल कैमरा। तो ये था मेरे देहरादून वाले रूम का एक छोटा सा टूर। आगे हम जिनके लिए निकलेंगे मेरे साथ राघव जाएगा, राघव कौशिक, वॉशरूम में भी उससे मिलाते हैं। सो निकलने से पहले अपना जिम का सामान चेक कर लेते हैं एक बार क्विक टू। सो 1 गैलन शेकर, BCA, कुछ कॉफ़ी के सैशेट्स एंड एक प्रोटीन, सो दैट्स इट। और हमारा एक हैंड टॉवल, सो दैट्स ऑल। लेट्स मूव। टॉकिंग अबाउट वेदर इन देहरादून, पिछले 2 दिन से यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो रही है और वेदर भी काफ़ी ठंडा हो गया है। मुझे इतनी जल्दी उम्मीद नहीं थी कि ठंड हो जाएगी। एंड दिस इज राघव। राघव फ्रॉम मेरठ। एक्चुअली मेरी दूसरी वीडियो होनी थी बट मैंने पहली रिकॉर्ड गली पर अपलोड नहीं करी, और वो काइंड ऑफ ट्रैवल ब्लॉग था। हम थोड़ा ऊपर तक गए थे, मसूरी थोड़ा आगे चले गए थे। कोई नहीं, ऑफिशियली यहीं से स्टार्ट करते रहेंगे। और एक बात ये भी कि हमें, जैसे मैंने कही हमें 1 महीना हो गया यहाँ पे, तो जिम करते हुए भी 1 महीना हो गया है। सो प्रोबेबली आज लास्ट या सेकेंड लास्ट डे होगा हमारे जिम पे एंड देन वी गोना चेंज एंड या थोड़ा एक क्विक टूर दे दूंगा। और जो दूसरा जिम है थोड़ा पास है हमारे रूम के, तो यार लेट्स सी, जिम पे मिलते हैं। सो जिम निकलने से पहले हम राघव के रूम पे आ गए। राघव एक्चुअली हमारा रूम ही नहीं है, ये अलग रहता है हमसे, बट ही इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ आर्स। सो हमारे रूम पे था ये कल रात नाइट स्टे किया। सो आपको मैं इसका रूम दिखा देता हूँ एक बार। सो यहाँ पे काफ़ी सारे रूम हैं, उसमें से एक रूम इसका लॉट हो रखा है। एंट्रेंस इज द वॉशरूम एंड दैट्स ऑल। ये है भाई कुछ कमरा, यहाँ पे टेबल जहाँ पे इन्होंने भी इंडक्शन लगा रखा है, स्टूडेंट लाइफ यू नो इंडक्शंस। यहाँ पे कैमरा कह रहा हूँ, यहाँ शीशा, ये देखो एंड दिस इज राघव। गंदी हंसी दे रहा वैसे, पता है काफ़ी सारे लोग कैमरा फोबिक भी होते हैं, जैसे बातें बहुत ज़्यादा करते हैं जब कैमरा बंद होता है, उल्टी सीधी बातें। और यहाँ मुँह नहीं खोलते अपना, लाइक राघव। कुछ गलत बोला राघव मैंने? नहीं, गलत तो ना आपने कुछ बोला ही कहा है, बस करता है तो गलत। देखा, ताने शुरू हो गए।
एनीवेज टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे और जैसे वो रेडी होता है जिम के लिए निकलते हैं। वैसे काफ़ी लेट हो गए हैं, अराउंड 9 बज जाएंगे हमें निकलते निकलते। सो या सी यू गाइस डायरेक्टली इन द जिम। राघव अपना शेकर नहीं लाया, सो प्रोटीन हम इसके रूम पे जाके पियेंगे और हम चलते हैं। चल ब्रो। बैक एट राघव रूम। सो जो राघव है बिहाइंड द कैमरा, इसका पहला प्रोटीन है तो इसने सजेशन मांगे थे मुझसे, बट थोड़ा चीप के लिए इसने अभी थोड़ा है साइट्रम, चीप नहीं 1800 का 1 kg दिया है, MRP भी 2300 कुछ है। और तो इसका काफ़ी बहुत ये जो मिल्क चॉकलेट मंगाया है, अगर आप लोगों ने ध्यान देख लीजिए मिल्क चॉकलेट फ्लेवर है, तो अगर कभी आपने मिल्क चॉकलेट फ्लेवर ट्राई किया होगा या फिर चॉकलेट से रिलेटेड कोई भी फ्लेवर ट्राई किया होगा, क्योंकि चॉकलेट जो होता है सेफेस्ट फ्लेवर होता है
अगर आप कोई और फ्लेवर ट्राई ना करना चाहें कि आपको पसंद आएगा। कंपनी एक बेस मॉडल लेती है इसको, कोई भी कंपनी चॉकलेट को। सो अगर आप चॉकलेट कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको लगता है कि सेफेस्ट वे है कि आपको थोड़ा टेस्ट अच्छा मिलेगा, थोड़ा बहुत उसमें चेंज होगा, बट एनीवेज टेस्ट इसका बहुत बेकार है। बेकार इन द सेंस आफ्टर टेस्ट जो इसका आता है काफी स्वीट है। आप एक प्रोटीन से इतनी स्वीट होने की उम्मीद रखते नहीं है। और सेकेंड चीज जो और भी बेकार है वो है इसमें जो लम्स बनते हैं, आप इसको कितना भी शेक करो लम्स नहीं जाते। प्रॉपर कंपनी की साइड से ही मंगाया हमने ये, सो डुप्लीकेसी का तो इसमें कोई चांस नहीं है। ये तो मैंने अपनी तरफ से कुछ बोल दिया भाई, जो जिसका प्रोटीन एक बार उसका पॉइंट ऑफ व्यू सुन लेते हैं। सो राघव ब्रो, ये कहना चाहूंगा ये मेरा पहला प्रोटीन था। ले काफी लोग ये कह रहे हैं कि तेरी बॉडी को ये सूट नहीं हुआ है या वो, लेकिन मैं सच बताऊं तो ये वर्स्ट प्रोटीन है, ठीक है, क्योंकि ये सबसे मैं पूछता रहता था। तो इसने भी मेरे को कहा था कि मिल्क चॉकलेट स्काइट्रॉन का थोड़ा ठीक होगा, क्योंकि आपको ये पता है इसका एडवर्टीजमेंट काफ़ी लोग करते हैं, अब मैं नाम नहीं लूँगा उनका, लेकिन मैं बस सिंपल लैंग्वेज में ये बोलना चाहूँगा जो मेरा कटा है वो मेरे भाई और बहनों का ना कटे। तो मेक श्योर कि आप ये गलती ना करें जो मैंने की है, ठीक है, और भी बेटर ऑप्शन है। तो ये कोई हेट वीडियो नहीं थी साइट्रॉन के ऊपर, सो प्लीज़ ना हमारे कमेंट सेक्शन में कोई गंद मचाए, ना उनके पेज पे जाके, कुछ ऐसा कोई सीन नहीं है, ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू था। क्या पता आपके वो ये राघव ने भी ये कहा कि उसकी बॉडी पे सूट नहीं कर रहा, हमें रिजल्ट नज़र नहीं आ रहे, तो बस क्या पता आपकी बॉडी में रिजल्ट नज़र आ रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। सो या अब हम अपना प्रोटीन लेते हैं, फिर मैं मिलूंगा और राघव के साथ हम अपनी मील लेंगे, वो आपको शो करेंगे, लेट्स सी। सो गाइस हमारी पोस्ट वर्कआउट मील रेडी है, हमने अपना प्रोटीन ले लिया, अब थोड़ी कार्ब्स का टाइम है। फॉर कार्ब्स वी आर हैविंग सम ओट्स, ये मेरे पे हैं कुछ 120 ग्राम ऑफ ओट्स, राघव पे है कुछ 60 ग्राम ऑफ ओट्स, थोड़ा डाइट को सीज लो। ये 5 ml दूध पी रहा पार्थ, ये देखो कौन सा दूध पीता है, ये डबल टोन भाई, फैट नहीं होना ना, वैसे फैट बोर्ड होगा। और हाँ भाई हमारे बर्तनों की वजह से जज मत करना, बैचलर ने तो थोड़ा बहुत चलता है, इतना घर पे नहीं अपने, तो जिस पर बनाया उसी में खा लिया ताकि ज़्यादा बर्तन धोने ना पड़े। सो मैं मील खाता हूँ, उसके बाद मिलेंगे हम आपको।